हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रेड टेस्ट की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड टेस्ट के बारे में हम आज चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि पिछले वीडियो से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कंटिन्यूसली कि सर ट्रेड मार्क्स के मार्क्स क्या जो है जुड़ेंगे, कितने मार्क्स उसमें लाना है, सर हमारे मार्क्स मेरिट में कैसे बढ़ेंगे, क्या हम ट्रेड मेरिट्स में अगर ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, CBT का जो टोटल मार्क्स है उसमें ज्वाइन होकर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हमें एक जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए जिनका क्वेश्चन ऐसा था कि ट्रेड टेस्ट के लिए हमें कितनी तैयारी करनी होगी और कितने मार्क्स एटलीस्ट आपको स्कोर करना होगा 40 मार्क्स में से। जी हाँ, 40 मार्क्स का आपको तो पता ही होगा कि 40 नंबर में से जो है आपको कितना नंबर लाना अनिवार्य है ताकि जो है आप पास हो सके या फिर आप जो मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही सरकारी नौकरी संबंधित कोई भी जानकारी आप यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं स्टेप बाय जाता हूँ कि आपको जो है CBT 1 के बाद जो है चुना गया PET के लिए। जी हाँ, PET PMT के लिए जो आपको चुना गया, और उसके बाद इन दोनों का जो है, पहले तो CBT का आपका जो है मेरिट लिस्ट निकला था तो आप जो उसमें से स्कोर किए उसके बेस के आधार पे आपको चुना गया PET के लिए। अब PET भी क्या था आपको पता है, PET सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था, यानी कि उसमें भी आपको कोई जो है स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग से कोई संबंध नहीं था। जो भी इनकी क्राइटेरिया थी, जैसे आपको पता है 800 मीटर इसको आपको पूरा करना था, 3 फिट और 9 फिट। जी हाँ, 3 फिट जो है आपको हाई जंप और 9 फिट आपको लॉन्ग जंप कंप्लीट करना था। तो ये कंप्लीट करने के बाद जो है आप जाएंगे थर्ड स्टेज। जी हाँ, थर्ड स्टेज में जा रहे हैं आप, और थर्ड स्टेज है हमारा ट्रेड। जी हाँ, ट्रेड। और ट्रेड टेस्ट क्या है, ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर है। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंशन हुआ है कि ट्रेड टेस्ट भी जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि यहाँ पर भी आपको स्कोरिंग से कोई संबंध नहीं है, यानी कि ट्रेड टेस्ट में आपको पास होना अनिवार्य है, अन्यथा आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ट्रेड टेस्ट में आपको कितने मार्क्स का है, आपको मार्क्स हैं टोटल 40 मार्क्स। अब इसको आपको क्वालिफाई करना है तो 40 में से कितने मार्क्स होता है जो पास होते हैं, तो आपको पता है कि इसका जो है 14 से 15 मार्क्स। जी हाँ, आपको पता है 40 में से अगर आप 15 मार्क्स लाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ, अगर 35% या 30% रहता है तो ये पासिंग मार्क्स होता है। तो यानी कि अगर आप 15 से 20 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं आपका नंबर, तो आप आराम से जो है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है तो 40 का जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, 35% अगर निकाला जाए तो 15 से नंबर्स होता है एक्चुअल में, एक्यूरेट में। लेकिन हमें जो है कम से कम ज़्यादा ही मार्क्स लाना है। तो दोस्तों, आपको जो है मार्क्स को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी में निपुण है, जी हाँ, आपने तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है अपने ट्रेड टेस्ट की, तो आप बस उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, जी हाँ, आपको सिर्फ पास आउट करना है। उसके बाद जो है आपके कितने स्कोरिंग मार्क्स हो रहे उससे आपको कोई मायने नहीं रखता। आप लेकिन जो है मिनिमम क्राइटेरिया जो रखी जाएगी, जी हाँ, वहाँ पर 40 में से जो क्वालिफाइंग नेचर का जो मार्क्स वहाँ बताया जाएगा आपको, उतने मार्क्स आपको कंप्लीट करना है, उसको पास आउट करना है। उसके बाद ही जो है आपका सिलेक्शन जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए चुना जाएगा, तब आप एलिजिबल होंगे। और उसके पहले आप एलिजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि आपने क्वालिफाइंग नेचर में एग्ज़ाम पास नहीं किया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपका जो मार्क्स हो जाएंगे फिर आपको जो है टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसी के आधार पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो जिसमें आपका सिलेक्शन होगा DV और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। अगर इसके बावजूद आपको कुछ समस्या या दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट के जरिए भी आपकी दिक्कत और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे क्वेरी उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।